सॉरी यार, आने में थोड़ी देर हो गई। आसिम यार, कहाँ रह गए थे? और वो बच्चा कहाँ है जो तुम्हें मिला था? वो बैठा हुआ अंदर यार। अली, तुम? अब यार, ये तो अली है, किंजाबी का बेटा। तुम जानती हो इसे? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और मुझसे ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता इसे। आसिम, ऐसा करते हैं कि पहले ये सामान घर छोड़ देते हैं और फिर इसको ड्रॉप कर देंगे, क्या कहते हो? ठीक है, चलो बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, चलो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं, उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है, उनसे इन टच तो रहना पड़ेगा ना। अली तो कभी अकेला नहीं जाता है, पता नहीं कहाँ होगा, कहीं उसे किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं पहले आपको घर ड्रॉप करता हूँ, फिर पुलिस स्टेशन जाता हूँ। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई बात भी होती है तो उसे ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकते। मैं भी चलूंगी पुलिस स्टेशन। भाभी आप नहीं जा सकती, प्लीज समझने की कोशिश करें। क्यों? भाभी ये सिर्फ एक अजम्पशन है, जरूरी नहीं कि उसको किसी ने किडनैप किया हो, लेकिन एहतियात तो जरूरी है ना। तो तुम्हें भी यही लग रहा है ना? किसका फोन है? फलक की कॉल है। हाँ फलक, कहो। क्या अली मिल गया? सोहेल भाई की तबीयत ठीक नहीं। अच्छा तुम उनका ख्याल करो, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? पता नहीं, सोहेल भाई की तबीयत ठीक नहीं है। चले चलो। चले खुश होंगी ना फूफा हमें अचानक देखकर। हाँ, वैसे मैं तो समझ रहा था तुमने बता दिया होगा कि कहीं नाराजी ना हो गए। नहीं बाबा, मैंने अभी कुछ नहीं बताया इन्हें, मैंने इन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। ये हमें देखकर बहुत खुश होंगी, आपको पता है ना, अचानक मिलने वाली खुशी का मजा ही कुछ और होता है। चलिए चलो भाई, जैसा तुमने प्लान किया वैसे ही कर रहे हैं। अम्मा भूल गई, मौके से फायदा कैसे उठाया जाता है। उस फलक का सौदा करते हुए तुमने अपनी मन पसंद रेट तय किया था, इतनी बड़ी रकम बटोरी थी। हाँ भूल गई? लेकिन सोनिया, अरे मासूम बच्चा है ये। नहीं, मैं चुड़ैल हूँ, मैं डायन हूँ, जो उसकी माँ ने मुझ पर गंदे गंदे इल्जाम लगाए, मुझे घर आकर जलील करके गई, और तो और मुझे नौकरी से भी निकलवा दिया, फिर उस कार्ड के उल्लू देवर को भेजकर मेरी बच्ची कुच्ची इज्जत का तमाशा बनाया। नहीं, मेरा क्या कसूर था? नहीं, मैंने कौन सा गुनाह किया था? अच्छा तो फिर अब तू क्या करेगी? वही जो मुझे करना चाहिए। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को इतनी आसानी से हाथ से तो मैं जाने नहीं दूंगी। उस बच्चे के बदले ना लंबी रकम बटोरूंगी, हम भी तो कुछ दिन ऐश करें इस दुनिया में, क्या बुराई है? अरे वो तो तू ठीक कह रही है, लेकिन उसे आसिम को क्या 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 जवाब देगी, क्या बताएगी उसे? अम्मा उसको तो तुम छोड़ ही दो, उसकी तुम फिक्र नहीं करो, उसको मैं संभाल लूंगी, वैसे भी वो बावला है। उस बच्चे को घर छोड़ने की बजाय यहाँ मेरे पास मेरे कहने पे मेरे घर ले आया, पागल गई का। अगर उन लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दी तो फिर क्या करेंगे हम? अम्मा तुझे क्या लगता है, सोनिया कच्ची गोलियां खेलती है, उनके साथ किस तरह सौदा करना है और किन शरायत पे करना है सब जानती हूँ मैं। इतना गोल्डन चांस अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। चलती हूँ। या अल्लाह, किन मुसीबतों में फंस गई हूँ मैं, ये लड़की आए दिन को गेम ही करती रहती है, कहीं हम ना फंस जाएं। आसिम तुम? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम बच्चे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करोगी। आसिम ये तुम क्या कह रहे हो,
वो तो मैंने गुस्से में न जाने क्या कुछ बोल दिया। अभी चंद दिन पहले की बात है, वो किंजा हमारे घर आई थी, मुझे और अम्मा को इतना बेइज्जत करके गई। मुझे लगा कि उसके बच्चे को थोड़े दिन अपने पास रख के उस मगरूर औरत को मजा चखा दूं। अच्छा, और उसे मजा चखाने में तुम रैंसम भी लेना चाहती थी? आसिम, मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। तुम्हें पता है ना मेरा गुस्सा कितना तेज है, इसका मतलब थोड़ी है कि मैं वाकई में ऐसा करूंगी। सिर्फ चंद दिन की तो बात है, अली को अपने पास रख के उनके पेरेंट्स को लौटा दूंगी। इन दो चार दिनों में ना उस औरत के होश ठिकाने आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये बच्चा मुझे मिला था तो मैं इसे इसके पेरेंट्स के पास वापस लेके जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझे उनका एड्रेस बता दो, वरना एड्रेस मालूम करना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है। और क्या, सारा प्लान खराब हो गया। आसिम, मैं भी आती हूँ, रुको। आसिम, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा वो मकसद नहीं था। मैं तो बस इनसे अम्मा की इंसल्ट का बदला लेना चाहती हूँ, और अगर तुम भी मेरी जगह होते ना तो यही करते। और यार, मैं क्या तुम्हें किडनैपर नजर आती हूँ, जो बच्चे के बदले रंसम लूंगी। मैंने आसिम बस गुस्से में बोल दिया। मैं बच्चे के सामने इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती, और बेहतर होगा कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लिया करो, वरना हम ज्यादा साथ नहीं चल सकेंगे। कैसे देख रहे हो मुझे आंखें फाड़ फाड़ के? चलो पीछे जाके बैठो। सुहेल भाई, आप फिक्र नहीं करें, बस भाभी लोग आते होंगे। भाई, आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ यार, मैं। अली का कुछ पता चला? जब सुहेल ठीक है तो बार बार क्यों कॉल कर रही थी, ये जताने के लिए कि तुम्हारे शौहर को कहीं लेकर तो नहीं चली गई मैं? अल्लाह ना करे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं। सुहेल भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका बीपी हाई हो गया था, अभी डॉक्टर चेक करके गया। आप प्लीज खुद बता दें, इनको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ। देख रहे हो तैमूर किस तरह से जबान चला रही है मेरे आगे? मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं मुझ पर, ये खुशियां मना रही है। अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे कुछ नहीं सुनना है तैमूर, मुझे मुझे इस वक्त से मेरा बेटा चाहिए। मुझे अली ला के दो, कहीं से भी, मेरा सर फट जाएगा। अच्छा आप प्लीज रिलैक्स करें, मैं देखता हूँ। अली, अली कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे तुम? तुम जानते हो मैं कितना परेशान थी, कहाँ चले गए थे? हाँ, कौन लेकर आया तुम्हें? सोनिया आंटी लेकर आई